हिंदू मुस्लिम सिख सारे भाइयों को सलाम। मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष स्मूथ खान। हिंदुस्तान का सबसे कंट्रोवर्शियल शो यानी बिग बॉस, आपको पता है उसमें जबरदस्त कंट्रोवर्सी होती है हर साल, और नहीं होगा तो ऐसा कोई साल आया ही नहीं। आपको पता है बिग बॉस ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, जिसको होस्ट कर रहे हैं हमारे झकास यानी अनिल कपूर साहब, इसको होस्ट कर रहे हैं। और इसके अंदर एक से बढ़कर एक नमूने आए हैं कंटेस्टेंट। उसमें आए हैं एक मोटा गेंडा, क्या नाम उसका, अरमान मलिक, उसकी दोनों वाइफ कृतिका एंड पायल। और पायल आकर यहाँ पे एक जबरदस्त स्टोरी सुनाई है, मतलब वो स्टोरी सुना दी है जिसको सुनकर हिंदुस्तान की सारी आवाम की आंखों में पानी हो गया है, आंसू रुकने का नाम भी नहीं ले रहे। वो दर्द भरी स्टोरी उन्होंने बताई है। मैं मानता हूं कि वो स्टोरी जो बताई होगी वो सच होगा, वो उनका दर्द होगा, मैं उसकी रिस्पेक्ट दिल से करता हूं। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, इतने साल से वो वहां पे रह रही है और इतने बड़ा वो झेल रही है उस मोटे गेंडे को, तो उसी वक्त उसको लात क्यों नहीं मार दिया? जब बात अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की आ जाए तो ऐसे मोटे गेंडे को उसी वक्त लात मार देना चाहिए। लेकिन आप क्या मजबूरी है, क्योंकि आप वो जो जर्नी जिंदगी जी रही है उसके सिवा आप भी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाती, इसलिए आपको उसके साथ रहना मजबूरी है। बट सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी बहन माए कोई भी हो, अगर कुछ किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे बेस्ट है कि उसको उसी वक्त छोड़ दो। रिस्क बिल्कुल मत लो आने वाली जिंदगी के लिए, ये सोचकर कि आज ये करें कहीं कुछ इससे खराब ना हो जाए। तो इससे बेहतर ये है कि आज जो टेंशन होना है वो जाने दो, लेकिन अलग हो जाओ, कम से कम आने वाली जो जिंदगी है वो सुकून की हो जाएगी, और फौरन उसके ऊपर आप आवाज उठाइए, वो चाहे कोई भी हो। बहरहाल आपने जो स्टोरी यहां पे बताई, कितनों को लगा होगा ये स्टोरी बहुत ही कमाल है, जबरदस्त है, आगे आपसे कितने लोग कनेक्ट हुए होंगे, आपकी तरफ सपोर्ट में होंगे। लेकिन जहां तक मुझे लगता है ये सारा गेम जो सिंपति का गेम है, आपने जो बताया है यहाँ पे आके इतने बड़े उस पे प्लेटफॉर्म पर आकर ये चीजें जो धज्जियां उड़ाई हैं मोटे अरमान मलिक, पहली बात तो मैं अरमान मलिक को जानता ही नहीं था कि ये यूट्यूबर है। अब कितने जो वहां बैठ के देख रहे हो मुझे बोलेंगे कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में। अच्छा, ये वही लोग कहेंगे जो इस मोटे गेंडे को देखते हैं, बाकी जो नहीं देखते वो मुझे कहेंगे नहीं भाई आप सही बोल रहे हो। बहरहाल आपको उसी वक्त जब आपको गेंडे ने ऐसा बिहेवियर किया था कि आपको छोड़कर आपकी दोस्त कृतिका के साथ शादी कर लिया ऐसा वैसा, और आप इतनी टेंशन में आ गई, तो आप फौरन कह देती कि भाई मैं आपके साथ एक पल नहीं रह सकती। देखो, जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ ऊपर वाला होता है, आपके लिए भी होता अगर आप उस चीज के लिए स्टैंड उठाती। बहरहाल आप आके यहाँ पे बोल रही हैं, बट आपके जो सारे कार्यक्रम है ना वो देखने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है, शायद ही मेरी बात से कोई लोग एग्री करें, बट ये मेरे दिल की बात है कि जो सारे सिस्टम होते हैं ना बिग बॉस के ऊपर वो सब दिखावे के होते हैं, उसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। आज तक जितने भी इस बिग बॉस में लोग आए हैं वो तमाम बातें यहाँ पे बोलते हैं करते हैं, लेकिन जब वो बिग बॉस से बाहर जाते हैं तो उससे उल्टा होता है। शादी एक थे, दो कंटेस्टेंट ऐसे थे जो कहे थे वो कर रहे थे, वो जो जिसमें थे सिद्धार्थ था और हमारे शहनाज गिल। सिद्धार्थ तो इस दुनिया में नहीं रहे, ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे, बट ऐसा लग रहा था ये लोग जो रिलेशन इनका घर में था वो बाहर भी देखने को मिल रहा था, एंड मोमेंट पे शहनाज गिल उनके साथ थी। बहरहाल बाकी जितने भी आए कुछ भी यहाँ किए हैं बोले, बाहर निकलने के बाद वो पता ही नहीं उनका क्या होता है। तो यहाँ पे जो चीजें लोग बोलते हैं ना वो इसलिए जानबूझकर बोलते हैं क्योंकि ये बताना है और शो में दिखना है। सबसे बड़ी बात ये, जब आप कुछ ऐसा कुछ बोलोगे, कुछ नया चीज ट्विस्ट एंड टर्न लाओगे तो आप दिखोगे, जब आप दिखोगे तो पब्लिक आपको देखेगी, पसंद करेगी, उस पर आपको वोट मिलेगा, वरना आप धीरे से बाहर हो जाओगे। तो कुछ ना कुछ खेलना है। देखो, अपना दीपक भाई भी खेल रहा है श्याणा बनके, एड़ा बनके पेड़ा खा रहा है, आपको पता है दीपक भाई। इसमें शिवानी भी, मतलब बहुत लोग हैं, बहुत इंटरेस्टिंग हैं ये लोग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और आप चाहते हो इस पे फुल एपिसोड बनता रहे हर लोगों के बारे में, तो इसको शेयर करो, सपोर्ट करो, कमेंट करके हमें जरूर बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो। आप क्या कहते हो पायल के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है।